दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरा इलाका चांदनी चौक। ऐसा लगता है किसी शायर ने इस जगह का नाम चांदनी चौक रखा हो, लेकिन अब लगता है चांदनी यहाँ से रूठ चुकी है। आइए हम आपको चांदनी चौक के घर में ले जाते हैं, एक ऐसे घर में जहाँ एक बेटी को उसके पिता ने कल रात जान से मारने की कोशिश की। ये है वो लड़की जिसका नाम है ज्योति। ज्योति, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमने सुना कि तुम्हारे पिता तुम्हें हर रोज मारते हैं, क्या ये सच है? तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो ज्योति। ज्योति, मैं बताती हूँ इसका बाप इसे हर रोज क्यों मारता है। हम महाराष्ट्र के विदर्भ गांव के रहने वाले हैं। हम भूख और गरीबी के कारण यहाँ आ गए थे। साल भर पहले टीवी पर न्यूज आई थी कि एक लड़की का रेप हो गया है, तभी सरकार ने उसे 2 लाख रुपए मुआवजे के दिए, तभी से इसके पिता चाहते हैं कि इसका भी रेप हो और हमें भी 2 लाख रुपए मिल जाए। ये सच है कि एक लड़की का बलात्कार होने के बाद सरकार ने 2 लाख रुपए दिए? 2 लाख रुपए देने के बाद सरकार ने कहा कि हम तो 2 लाख रुपए दे चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या करें? इसका जनता ने विरोध किया और मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, तो क्या होगा इस देश का? आप पिता होकर अपनी बेटी को मारते हैं और चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ वो जुल्म हो और आपको 2 लाख रुपए मिल जाए, क्या पिता होने के नाते ये अपराध नहीं? गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है और भूख बहुत बड़ा दर्द। बहुत बदनसीब है मेरी बेटी, 18 साल की हो गई, इसका तो कोई रेप भी नहीं करता। इसका कोई रेप करे तो मैं भी पैसे का मुंह देखूं। इतनी बदसूरत तो रही है मेरी बेटी, क्या कमी है इसमें? हैं? ये क्या करें आप, छोड़ दीजिए। अगर आपकी यही सोच है तो मैं बेटी का फर्ज निभाने को तैयार हूँ। मैं अपना बलात्कार करवाने को तैयार हूँ। बोलो कहाँ जाऊँ, बुलाओ किसी को मेरा बलात्कार करने के लिए। मैं तो सड़क पर खड़ी होकर लोगों को नहीं बुला सकती कि ये भाई साहब आ और मेरा बलात्कार कर रहा। इस कैमरामैन को बोलो मेरा बलात्कार करे। आपको तो शौक है ना नई नई खबरें ढूंढने का, तो अनाउंस कर दो अपने चैनल पर कि एक बंदे से बेटी अपना बलात्कार करवाना चाहती है। ए भगवान, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? इतना सब देखकर भी इंसानियत शर्मसार नहीं हुई? फार्म के नाम पर इनके पास सूखी जमीन थी और हाउस के नाम पर गिरती हुई दीवारों का घर, जिसे छोड़कर ये शहर में आ गए। उस शहर में जहाँ नेताओं के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, आप खुद ही सोचिए कि फार्म हाउस किसके होने चाहिए। आज के जमाने में रिश्ते सिर्फ पैसे के रह गए हैं। ये है आज के पिता जिन्हें बेटी से ज्यादा जरूरी है पैसा। शायद जिंदगी में अंधेरा बढ़ गया है और चांदनी सचमुच रूठ गई है। चांदनी चौक से शैलजा वर्मा, कैमरामैन रणबीर पुष्प के साथ। लगता मैंने पहले भी कहीं देखा है आपको। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। ये डायलॉग नहीं, मेरे दिल की आवाज है। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी शिफ्ट हुई दिल्ली। शायद मैंने तुम्हें पिछले जन्म में देखा होगा। लगता है आप खड़े खड़े सपना देख रहे हैं। आई एम अजय सिंह। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर नेम, बट आई एम। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये साबित हो चुका है कि ये आदमी कनाट प्लेस और सदर बाजार के बम धमाकों में शामिल है, इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए।
That's all, my lord. बशीर खान पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, ये अदालत उन इल्जामात के खिलाफ बशीर खान को दोषी मानती है और बशीर खान के खिलाफ कोर्ट अपनी जजमेंट अगले महीने की 29 तारीख को सुनाई जाएगी। ए कुफार, तू क्या मुझे सजा सुनाएगा? सजा तो तुझे ऊपर वाला देगा। बशीर खान, क्या तुम इस केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाओगे? बशीर खान, क्या तुम पाकिस्तान से किसी वकील की मदद लेना चाहोगे? बशीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जज के ऊपर जूता फेंकने से तुम्हें लगता है कि तुम फांसी के फंदे से बच जाओगे? ये तो हिंदुस्तान का कानून है जो जजमेंट में इतना समय लग रहा है। किसी और देश में होते तो सरेआम फांसी चढ़ा देते। तुम जैसे आतंकवादियों को तो जेल में हर रोज 100 कौड़े पड़ने चाहिए। चिकन बिरयानी। ऐसा कोई करता है? कैमरे पर थूक दिया उसने, जज के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। छी। दरअसल ये सवाल तुम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। आज मीडिया को हाइप करने के लिए, टी आर पी को बढ़ाने के लिए तुम लोग कोई भी लेवल पे गिर सकते हो। जब ये प्रूव हो ही चुका है कि वो दोषी है, तो उसे ये सवाल पूछने का मतलब क्या बनता है? क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे? क्या तुम पाकिस्तान से लॉयर हायर करोगे? बुलशिट क्रैप। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जर्मन बेकरी, 2611 हमारा देश, ये सब बर्बाद हो इन टेररिस्टों की वजह से। और क्या मिला हमें इसके बाद? क्या मिला? हीरो बना दिया हीरो इन लोगों को और हम लोग को विलेन। ये वर्दी इसे हमने सिर्फ नाम के लिए पहनी हुई। बाकी तो आप लोग ही हो जो इन्हें हीरो बनाते हो, भगवान बनाते हो, रोज पेपरों पे छापते हो, टीवी पे दिखाते हो। और हम लोग जो अपनी जान पे खेलते हैं, उसका क्या? बंद करो इसे, बंद करो। अगर दम है मीडिया में तो टीआरपी छोड़ो और लोगों को बंद करो। यही सवाल पूछो कोर्ट में जाके कि तुम्हें आज फांसी की सजा सुनाई क्यों नहीं दी गई? शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हम किराए की जिंदगी जी रहे और दूसरों के शब्द बोल रहे। हमारी आत्मा हमारे जिस्म कहीं दूर निकल चुकी है। सांस तो हम ले रहे लेकिन वो हमारी नहीं, दूसरों की। एनीवेज टाइम बहुत हो चुका है, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। चल गुड बाय। कितने अजीब लोग, प्रेस वालों से कैसे बात करनी है कुछ पता ही नहीं है। ये पता नहीं। हाँ सर। शैलजा। हाँ जी। कहाँ हो भाई तुम? सुबह से फोन कर करके परेशान है हम। आज वो एमपी पुरुषोत्तम दास का जन्मदिन है, उसी की कवरेज के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से कवरेज करना। ओके। और कवरेज करते ही एयरपोर्ट से इमीडिएटली ऑफिस आ जाओ। एयरपोर्ट पे हरीश तुम्हारा फाइल लेके इंतजार कर रहा है। ओके ओके सर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भद्रो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जय लीजिए माननीय मंत्री जी, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश की शांति और अमन के लिए जो आपने हवन करवाया वो संपन्न हुआ। धन्यवाद। तथास्तु तथास्तु। मैं आपका अति धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा मान सम्मान किया और मुझे सेवा का मौका दिया। जी। मंत्री जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं महिला आश्रम चलाती हूँ। ये सारी अनाथ बच्चियाँ आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देने आई हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, जन्मदिन की बधाई हो। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका सेवक हूँ। धन्यवाद 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 आभार। मैं अगर आपकी महिला आश्रम को 5 लाख रुपए का चेक दूं तो स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई इधर आओ। यस सर। ये लीजिए, ये रहा आपका 5 लाख रुपए। मंत्री जी,
अरे बच्चा लोग, ये आप लोगों के लिए पुस्तकें हैं जो आपकी तंगी जा रही है और आपकी तंगी के साथ में डिप्रेशन भी जा रहा है। अपने बच्चों को दीजिएगा। राम राज्य आ रहा है, राम राज्य। हमारे राम तो आप ही हो सरकार। थोड़ा समय हम मीडिया वालों को भी दीजिए। क्या बात कर रही हैं आप, मीडिया तो हमारे लिए भगवान समान है और फिर ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और आप ही लोग तो हमारे अमन और शांति का संदेश दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपका कैमरा किधर है? रणबीर पुष्प आओ। मंत्री जी, क्या आप हर साल अपने जन्मदिन पर हवन करवाते हैं और लोगों में पैसा बांटते हैं? जी, मैं कौन होता हूँ पैसा बांटने वाला। ये सब कुछ देने वाला तो भगवान है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मात्र निमित्त हूँ। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। मैं आप लोगों का अति धन्यवादी हूँ। आज मेरे हैप्पी बर्थडे के ऊपर आप लोग आए हैं, मेरा दिल हैप्पी हैप्पी हुआ है। और आप यहाँ से हैप्पी हैप्पी जाइएगा, जाइए, कुछ खान पान कर लीजिए प्लीज। जाइए 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 जाइए, धन्यवाद। आज के अतिथि कितने मन भावन और तन भावन है। वाह वाह, जय हिंद। मारियाना, व्हाई डोंट यू सर्व देम प्लीज। तिवारी जी, लड़की के हाथ का छुहारा खाइए, जवानी वापस लौट आएगी। लीजिए सर। जयचंद जी, आपके पास एक वोट है, सिर्फ एक वोट, और हमारे पास अनेक नोट हैं। आप अपने नाम का अटैची केस उठाइए। कसम गंगा मैया की, रकम आपके वजन से कहीं ज्यादा होगी। पुरुषोत्तम जी, काम भी तो छोटा नहीं है, इसे वजन के साथ मत तो। अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करना कोई मामूली बात नहीं है। जयचंद जी, ये गद्दार शब्द का प्रयोग करके आपने हमें छोटा बना दिया। अरे भाई, ये तो हमारे जैसे नेताओं का धर्म है। जिस किसी भी थाली में बड़ा लड्डू दिखा, ये उठा लिया। और ऐसा करने वाले को गद्दार नहीं कहते, अकलमंद कहते हैं, अकलमंद। हम नेताओं की जात कुत्ते जैसी ही होती है, जहाँ हड्डी देखी वहाँ लार टपकने लग पड़ी। कुत्ते की तरह लार टपकने लगती है। वो क्या है जयचंद जी, कि आपने हमसे जितना पैसा मांगा, हम उससे कहीं ज्यादा आपको दे रहे हैं, है ना? आपको हमारा ख्याल सिर्फ इतना रखना होगा कि आपकी पार्टी को आपका विश्वास मत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपकी पार्टी की नहीं बनती है तो सत्ता हमारी होगी, और अगर सत्ता हमारी होगी तो मैं वादा करता हूँ आप सबको मनपसंद मिनिस्ट्री दूंगा। और बांके लाल जी, आपको तो मैं शिक्षा मंत्रालय का पद दूंगा। मैं हूँ तो अंगूठा छाप, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने का मजा तो ले लूंगा। अब पार्लियामेंट में क्या करना है उसका रास्ता तो आप ही को निकालना पड़ेगा जयचंद जी। मैंने तो सोच लिया पुरुषोत्तम जी, क्या कि वोट देने से पहले मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा और पार्लियामेंट की बजाय सीधा अस्पताल में आग खोलूंगा। मैं तो हर महीने अपना खून बदलवाने के लिए अमेरिका जाता ही हूँ। सुबह के ही फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चला जाऊंगा। मैं सुबह ही अपने आप को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा लूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। और हम इसको ऑपोजिशन की चाल बताकर आपको छुड़वा लेंगे। वाह पुरुषोत्तम जी वाह। पुरुषोत्तम जी, मुझे अस्पताल में दो एक दिन रहना पड़ेगा। बस थोड़ा सा पूजा का सामान भिजवा दीजिएगा। आपने पूजा का नाम लिया और स्वामी जी के दर्शन हो गए। प्रणाम। दर्शन हमारे नहीं, इन कन्याओं के कीजिए। कन्या कहाँ है कन्या?
ये तो साध्वी है। ये साध्वी है या माधवी? आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए 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 चलिए, कम ऑन डार्लिंग स्वीटहार्ट, जरा जलवा या फिरोजा हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे यूएसए की स्कॉलरशिप मिली है। फिर तुमने प्यार के वादे क्यों किए थे? प्यार का वादा किया था और आज भी करता हूँ, लेकिन शादी का वादा नहीं किया था। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएसए के लड़की के साथ शादी करूँ, ताकि मुझे वहाँ की NRI मिल जाए। आई एम सॉरी। एक मिनट में सॉरी कहना बहुत आसान है, मगर जिंदगी भर उस सॉरी को झेलना बहुत मुश्किल। गुड बाय। आज मौसम
जैनी तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अगर तुम मेरी बात का यकीन करती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वादा? वादा तो तुम्हारे दोस्त ने भी किया था, चला गया वो, चला गया छोड़ के। सब लड़के एक जैसे होते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ जैनी। जस्ट एवरीवन, आज के बाद मैं किसी लड़के पे भरोसा नहीं करूँगी। मेरी बात सुनो जैनी, अगर किसी लड़के पे भरोसा नहीं करोगी तो फिर जिंदगी कैसे बिताओगी? तुम्हें क्या लगता है दो लड़कियाँ एक दूसरे की हमसफर नहीं बन सकती? बन सकती हैं। एंड आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। शैलेजा, हाय। कभी अपने लिए भी वक्त निकालो ना, सच्ची ऐसे शॉट दूंगी कि पूरी लाइफ में ऐसे शूटिंग नहीं की होगी। लीव मी अलोन। जानती हूँ तुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लाइक इट। न शादी करने का झंझट, न बच्चे पैदा करो, न किसी से इमोशनली हर्ट होने का पेन। ऐसे सिगरेट से जलाने से क्या मिलता है तुझे? मजा आता है। इसने मुझे जलाया है और मैंने इसे जला दिया। तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हो। इंसान भी कितना अजीब है, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ड्रिंक लेगी? यू नो मैं पीती नहीं हूँ। पहले मैं एक बार दीदी को फोन कर लेती हूँ। मेरी बहन का फोन है। हेलो। हाय रीना। हाँ दीदी। हाँ बोलो। मैं ना आज घर आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। क्यों? वो ना मैं एक ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हाँ, रात के वक्त कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने का कोई मतलब नहीं है। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ दीदी, वो याद है आपको सुनंदा आंटी जो हमें मिली थी, मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। वो कोऑर्डिनेटर का काम करती हैं। सुनंदा आंटी को फोन दो। आंटी, दीदी आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हेलो जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। आप तो जानती हैं कि हम छोटे शहर से हैं, दिल्ली में आए बस 3 ही महीने हुए, अभी ठीक से इस शहर को देखा तक नहीं। रीना मेरी छोटी बहन है, आपकी तो बेटी के बराबर है, बस ख्याल रखिएगा। ख्याल मैं पूरा रखूंगी, बस माँ बेटी का रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि आजकल तो ऐसी माँ हैं जो औलाद के पैदा होने से पहले ही उसे कोख में ही बेच देती है। आपका सच सच जैसा लगता है, इसलिए आप पर विश्वास करने को दिल करता है। थैंक यू। घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे बहन के साथ। वो बहुत बड़ी एजेंसी है, शहर के बड़े बड़े ब्रांड्स और VIP कंपनीज के एड्स यही तो बनाते हैं। ओके, थैंक यू आंटी, टेक केयर, बाय बाय। ओके चलो, अब जल्दी बहुत लेट हो रहा है, चलो वहाँ सब राह देख रहे होंगे। चीयर्स। कांग्रेचुलेशंस, आपको एड कैंपेन मिल गया। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू कहने से कुछ नहीं चलेगा भाई, आपको तो हमारा मुंह मीठा करवाना। सर जब नेक्स्ट टाइम शूट पे आऊंगी तो आपका मुंह मीठा जरूर करवाऊंगी। क्या कह रही हैं मीरा जी? आप जरा इन्हें बताइए कि मुंह कैसे मीठा किया जाए। समझ गए? अब आपकी बारी। हेलो सर। ये लीजिए, आपकी टाइमिंग हमेशा गलत है। बोलो क्या बात? चिंता क्यों करते हो, मैं भी तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आई हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं पुरानी शराब नहीं पीता। उधर देखिए कौन है ये?
24 कैरेट का खरा सोना है जिसमें अभी तक मिलावट नहीं। वेलकम वेलकम। हेलो, नाइस टू मीट यू, आइए बैठिए। थैंक यू। बाबा बाबा, क्या कमाल का चेहरा, आज तक कहाँ छिपा के रखा था। मुझे तो लगता है कि एडवर्ड में ये चेहरा पहलगाम चेहरा। ये दरअसल दिल्ली में नई आई है। अच्छा, और आप इसे टॉप पे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चीयर्स टू आवर न्यू फ्रेंडशिप। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। सर मैं ये सब नहीं पीती। अरे थोड़ी सी पी लो, ये वाइन है, शराब नहीं। सॉरी आंटी। आंटी नहीं, दीदी। अरे पी मत, हाथ में गिलास तो रख, शो बिजनेस है, दिखावा करना पड़ता है, ले लो। बिल्कुल, एक कम। कमान, एक से बहुत। हाँ, एक से बहुत नहीं चाहिए। अरे कम कम, अरे पियो ना। अरे ओह माय गॉड, आपकी तो पूरी ड्रेस ही खराब हो गई। कोई बात नहीं, अंदर बहुत सारे आउटफिट्स हैं, अंदर जाके चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जाइए। नहीं, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कम, am I such bad company? No, I'm not used to this kind of company. जो मैं चाहती थी वो तुम्हें मिल चुका। रीना सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैंने तुम्हें किससे बुलवाया तुम्हें पता नहीं है, सुनो तो सही। रीना, रीना सर, ये आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी ये मैंने सोचा तक नहीं था। और सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं जो इसके साथ करने वाला हूँ उसके बाद इसके पास सोचने को बहुत वक्त होगा। इसको बताना नहीं, दैट आई एम द ओनर ऑफ होराइज़न। ये रहती कहाँ है? पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट? इतनी देर कर दी तुमने, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? ये शहर अच्छा नहीं है दीदी, और यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं। तुमने बिस्किट दिए? नहीं दीदी, वो एक्चुअली सुनंदा आंटी ने मजबूरी में आके मुझे थोड़ी सी वाइन पिला दी थी, और फिर गलती से किसी का ग्लास मेरी ड्रेस पर गिर गया। आई विल नेवर अलाउ यू टू मीट एनीवन इन द नाइट। हम लोग यहाँ ये सब करने नहीं आए। तो क्या करने आए हैं? एक बात अच्छी तरह समझ ले शैलजा, औरत के पास आदमी के अलावा दो ही चीजें अलग होती है, और आदमी सारी जिंदगी उसके पीछे भागते रहता है, अपनी पूरी दौलत लुटा देता है। जेनी, तुम जानती हो ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। चिल्ला मत, तुम्हारी पसंद नापसंद अपनी है, लोगों की पसंद के बारे में सोचोगी तो फायदे में रहोगी। एनीवे, लाइट का और नेट का बिल टेबल पे पड़ा है, भर देना, और तुम्हारा रेंट भी बाकी है। सुबह ऑफिस जाने से पहले टेबल पर पैसे छोड़ दूंगी। नाउ कैन यू लीव मी अलोन नाउ? बाय, गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊं। ठीक है, सो जा, लेकिन इतना ध्यान रखना, घर से बाहर निकलकर तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना है। डोंट वरी दीदी, हम ऐसे माँ बाप की संतान हैं जिन्होंने घर से निकलते वक्त हमें पैसे कम और संस्कार ज्यादा दिए हैं। एनीवे, गुड नाइट। गुड नाइट। अबे जरा जोर से दबा भूतनी के, माँ का दूध नहीं पिया क्या? बशीर भाई, कल अदालत में आपको दोषी करार दे दिया गया है, इस बात का हमें बहुत दुख है। अबे चुप बेवकूफ, अफसोस मना रहा है? किस बात का अफसोस मना रहा है? खुशी मना खुशी, कम से कम मैंने उस जज के थोबड़े पे जूता तो मारा। वो तो एकदम ठीक है बशीर भाई, दोषी ही तो करार दिया है, सजा सुनाने के लिए भी हिम्मत तो चाहिए। सजा सुनाने से पहले उसके जुबान में हम कीले गड़वा देंगे। भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बराबर बोलेला। अबे भूतनी के, हाँ भाई, आज तक ऐसा कोई लोहा नहीं बना, हाँ भाई, जो गोली बनकर बशीर खां के सीने को चीर सके। क्या बात है भाई। और ना ही ऐसी रस्सी बनी, हाँ भाई, जो बशीर खान के गले का फांसी का फंदा बन सके। क्या बात है, समझ गए? दबा जोर से, हाँ भाई।
अबे दबाना। बशीर भाई आप तो अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। अबे भूतनी के, अपनी दुनिया का नहीं बल्कि आतंक की दुनिया का मैं बेताज बादशाह हूँ। जो चाहता हूँ वो करता हूँ। बशीर भाई मैं एक फरियाद लेके आया हूँ, मेरी बहन की शादी है। इंस्पेक्टर साहब से बोलकर मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर निकलवा दो ना। निकलवा देंगे। आप उन खड़े तो सरकार से बड़े। वो तो तुम हो ही बशीर। ऑल इज वेल। लगता है अभी अभी फिल्म देखकर आ रहे हो। थिएटर क्यों गए? यहीं आ जाते लॉकअप में। तीन इडियट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं। अरे कहाँ बशीर भाई, सरकारी काम से फुर्सत मिले तो फिल्में देखूँ ना। डबल ड्यूटी तो तुम्हें करनी पड़ती होगी, एक सरकार की और दूसरी हमारी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ऊपर बात कर ली है, तुम्हारी इंक्रीमेंट हो गई समझो। जितना सरकार तुमको देती है उससे डबल हमारे आदमी देंगे तुमको। क्या बात है सर, किस जबान से आपकी शुक्रिया अदा करूँ? वही जबान जो तुम्हारे मुंह में है। लेकिन एक दरख्वास्त है तुमसे, ये थका हुआ फैन जो तुमने लगाया है ये गर्म हवा ज्यादा देता है और ठंडी हवा कम, इसके बदले में एक फर्स्ट क्लास कूलर लगवा दो। और हाँ, ये जो मोबाइल है ना, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी चाहता इसे उसको मत देखो। आराम से। तो इसके बदले नया आईफोन 32 GB वाला, और हाँ उसमें दुबई का सिम कार्ड होना चाहिए। किसका? दुबई का। हाँ ठीक, ले जाओ इसे, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। गुड, चलता हूँ बशीर। चलते बोलो। ऑटो। हेलो मैम, किसका इंतजार है आपको? तुम? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिलेगी आपको। प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज मैम। जब कोई खूबसूरत लड़की साथ में बैठी हो तो कभी कभी खामोशी भी स्वतंत्र लगने लगती है। आप पुलिस में हैं? क्यों, आप पुलिस वाले से नफरत करती हो? प्यार भी नहीं करती। दोस्ती? वो भी नहीं। वो कहते हैं ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। दुश्मनी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्ती करके देखो, घाटे में नहीं रहूंगी। गाली रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। ओके, आप करोलबाग में रहती हैं? एनीवे थैंक्स फॉर द लिफ्ट। क्या देख रहे हैं? कभी कभी इंसान सोचता है कि रास्ते इतने लंबे हो जाए कि जिंदगी भर खत्म हो। आपका रास्ता अभी बाकी है। एनीवे थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, पुलिस वाले नहीं क्रिमिनल लग रहे हो। क्राइम तो मुझसे हो गया, बस सजा देना बाकी। मैं दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी सजा मिले। चलती हूँ, बाय बाय। नमस्कार, हमारे प्रोग्राम प्रश्न चिन्ह में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरा नाम अभिजीत है, उम्र 8 साल, धीरू भाई चाय वालों के साथ काम करता, रोज का 50 रुपए मिलता है। मेरा नाम मासूम है, मैं टीवी सीरियल जग के जग में काम करती हूँ,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को टीम में काम करना अच्छा लगता है, मैं तो ऐड भी शूट करती हूँ। यूएनओ के चार्टर में एक आर्टिकल है जिसमें चाइल्ड लेबर को बिल्कुल गैर कानूनी माना गया है। हमारे संविधान में भी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत इसे पूरी तरह वर्जित किया जाता है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब गलत है, हमारी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। 12 साल का लड़का सेल्समैन की जॉब कर रहा है, 8 साल का लड़का चाय की दुकान पे काम करता है, बर्तन धोता है, ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। ये मेरा बेटा है, मैं तो कुछ काम कर नहीं सकता। अगर ये कमा कर नहीं लाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे बीमार पिताजी मर जाएंगे ना। सरकार को छोड़िए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ काम करने आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमारे पैसे से उनके घर में राशन आता है। भूखे मर जाने से तो काम करके जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप हम बच्चों से इसलिए काम कराते हैं ताकि आपको कम पैसे देने पड़े। कमलेश रॉय जैसे प्रोड्यूसरों पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। मनोरंजन के नाम पर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ऐसे प्रोग्रामों को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? अभी अभी इस लड़की ने कहा ये अपने काम को एंजॉय कर रही है, इसे काम करना पसंद है, पैसे कमा रही है, इसमें गलत क्या है? हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। चाइल्ड लेबर बंद होनी चाहिए, वो चाहे फैक्ट्री में काम करना हो या टीवी सीरियल में काम करना। क्यों चाहे बंद होना चाहिए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। महंगाई, भूख और गरीबी से जूझ रहा ये देश कहाँ जाएगा? इस देश के मासूमों का भविष्य क्या होगा? क्या शिक्षा जरूरी है या पैसा कमाना? इस समस्या के बारे में हमें और हमारी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा, तभी इसका समाधान निकल पाएगा। इसके साथ ही मैं आज के सभी मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ और समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम प्रश्न चिन्ह। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ। नमस्कार। वाह, रियली यू गॉट ए वंडरफुल स्माइल। थैंक यू। ये मिस्टर सचदेवा है, इवेंट मैनेजर। एड वर्ल्ड में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है, क्लाइंट्स इनसे पूछे बिना साइन नहीं करते। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये तुम्हें टूथपेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर। लेकिन इस मॉडलिंग असाइनमेंट में आपको बिकनी पहननी होगी। व्हाट? लेकिन ये तो टूथपेस्ट का एड है ना, यानी कि दांतों के लिए, तो इसमें बिकनी पहनने का क्या संबंध? संबंध है मिसरीना, अगर जिस्म खूबसूरत होगा तो दांतों पर निगाह जाएगी, और जिस्म और दांतों की खूबसूरती का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को हाईलाइट करेगा। लेकिन मैं बिकनी नहीं पहन सकती। नो प्रॉब्लम्स मिसरीना, आप बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती है ना, अपना गांव छोड़ करके आई है इस शहर के आसमान को छूने के लिए। यहाँ आसमान को छूने के लिए इस शहर में एक सीढ़ी मिलती है जो लकड़ी की नहीं बनी है, नोटों की बनी है, और नोट कैसे कमाए जाते हैं इस शहर में मिस सुनंदा आपको समझा सकती हैं। तुम इन्हें समझाओ, अगर ये राजी हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर दूं। रीना, ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो सचदेवा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दिल्ली है, यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, डी एंड एल। डी का मतलब है देना और एल का मतलब है लेना, यानी गिव एंड टेक। ये यहाँ का कल्चर है जो तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा। देखो वो सामने होर्डिंग देख रही है ना, चमकता हुआ, वो लड़की इसी तरह नोटों की सीढ़ियाँ चढ़कर आज वहाँ तक पहुँची है। रीना, इतना क्या सोच रही हो? एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक जरूरी कॉल है। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कर पाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा वेट करो, देखते हैं अभी क्या बोलती है। मैं मनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाबूजी, कैसी हो बेटी तुम? ठीक हूँ। शैलजा को जब भी फोन करता हूँ
स्विच ऑफ होता है। बेचारी काम में लगी रहती है। कह रही थी कि अपने बॉस से रिक्वेस्ट करूंगी कुछ पैसे बढ़ा दें ताकि गांव भेज सकें। वो घर की छत बदलवानी थी। लो अपनी माँ से बात कर लो। हेलो बोमा, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप इनसे कह दीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ट्रैक्ट दो। लीजिए। लो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो और साइन कर दो। सर आपकी पेन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस रीना, आज से आप हमारी मॉडल फाइनल हुई। थैंक यू। अब आप देखिएगा आपको मैं कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूं। 90% होल्डिंग्स पर सिर्फ आप ही आप नजर आएंगी। आप ही आप, आपका चेहरा होगा जो डोमिनेट करेगा एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को। इसकी जेरोक्स कॉपी, साइनिंग अमाउंट आपको कल शूट पर मिल जाएगा। कल आपका पहला दिन है शूट का, टाइम पर आ जाइएगा। मिस सुनंदा, प्लीज सी टू इट। ओके सर, थैंक यू। टावल दो मैडम को। जी सर। सुनो। यस सर। थैंक यू। एकदम झकास। बशीर भाई, क्या ठाट हैं आपके। आपकी वजह से क्या अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। मैं तो जेल की दाल खा खा के बोर हो गए थे बशीर भाई। भाई ये छोटी छोटी चिंदी चोरी कर कर के परेशान हो गए। कोई मोटा काम बताओ ना भाई, खुदा कसम जान लगा दूंगा। खामोश। हम ना चोरी करते हैं और ना किसी की जान लेते हैं। हमारी लड़ाई जिहाद की है, जो सबके बस की बात नहीं। भाई मौका तो देकर देखिए, हमारे अंदर भी बहुत कुछ दबा हुआ है। खून हमारा भी खोलता है, पर हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है ना। एक बार हमारे सर पर हाथ रख के देखो, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई आजमा के तो देखो। ले रख दिया, तूने क्या कर ली। हेलो, सलाम वालेकुम भाई, पहुंच जाऊंगा भाई, खैर फिकर मत कीजिए।
जल्दी काम शुरू करो। लेकिन आप हमारी पार्टी के लिए करते बढ़ते नहीं हो सर। अभी पिछले पार्टी के लिए करते बढ़ते नहीं हो सर। अभी पिछले हफ्ते तो 10 लाख भिजवाए थे। 10 लाख से क्या होता है जज साहब, 10 लाख रुपए में तो इलेक्शन के पोस्टर भी नहीं छपते। ठीक है सर, कल 10 लाख और आ जाएंगे। नेताजी वो मेरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं मिला। देखो भाई, सब्र से काम लेना होगा। आजकल अपोजिशन बहुत हंगामा कर रही है। कल दोपहर से पहले पहले मेरे ऑफिस में 50 लाख रुपए पहुंच जाएं तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, हमने कभी आपको मना किया है? मना करने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। ए भाई, टीवी के भगवान, मेरी पार्टी में इसी चोले में कोई ड्रेस कोड का ख्याल तो किया होता। हम नेता नहीं साधु हैं। पूजा हो या फिर रासलीला, हम अपना चोला नहीं बदलते हैं। सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। हुजूर, बशीर खान आ गए। बशीर खान, लाले बशीर खान। जज साहब, क्या परफॉर्मेंस दी, क्या परफॉर्मेंस दी आपने, मजा आ गया। वो तो शुक्र मानो कि हमारा निशाना चूक गया। अगर कहीं लग गया होता ना तो आज इस पार्टी में आप पट्टियां बांधकर आए होते। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जूता तो जरा आराम से मारना चाहिए था। अरे अमित, yes, ma'am. जरा जल्दी से कैमरा ऑन करो और मेरी बाइक शूट करो। ओके मैम। लीजिए मैम। यस मैम, थोड़ा राइट। रेडी मैम, टेक। ब्रेकिंग न्यूज में कल सुबह देखे फार्म हाउस की सच्चाई और फार्म हाउस में नेताओं का असली चेहरा। मैं शैलजा, कल तक से। अमित ओके? या मैम, ओके। अमित, या मैम, इस बाइट को प्रोग्रामिंग में भेज दो और टेलीकास्ट करवा दो। ओके मैम। कमल, यस मैम, इस न्यूज को एडिट करके कल मॉर्निंग की न्यूज में चला दो। मन लागो के बोल सहे सितमगर तेरे लिए। सर, आपसे मिलने कोई कॉलेज की लड़की आई है। कॉलेज की लड़की? यस सर। बुलाओ। ओके सर, जाइए मैडम। हेलो सर। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है और मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को आने का कारण क्या है? वो इसलिए क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और सुबह तक तो टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है क्या?
नो। सर, मैंने सुना है कि आप हर चारों सीटों में से एक टिकट एक ऐसी लड़की को देते हो जो बहुत खूबसूरत है, और फिर मैं तो खूबसूरत भी हूँ और स्मार्ट, राइट? सर, मेरी नजर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं है बल्कि पार्लियामेंट पर, स्ट्रेट पार्लियामेंट। काफी लंबी सोच रखी है आप, काफी लंबी। लेकिन ताज पहनने के बेमत भी चुकानी पड़ती है, बताना। समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? आई ऑलरेडी नो दिस, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। सुबह देखें फार्म हाउस की सच्चाई और फार्म हाउस में नेताओं का असली चेहरा। मैं शैलजा, कल तक से। मुझे टिकट दिलवाने की बात है, अपना टिकट तो बचा ही। लेकिन मेरा टिकट तो पक्का है ना? पक्का 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 पक्का। हेलो। अरे मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। मंत्री जी, ये क्या हो रहा भाई? गोयल, ये टेलीकास्ट रुकवा दे, नहीं तो मैं तुम्हारी खटिया कड़ी कर दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मंत्री जी। देखो क्या मिलेगा, तू जो कहेगा मैं तुझे दूंगा, तुझे जितना धन चाहिए होगा मैं तुझे दूंगा, ये टेलीकास्ट रुकवा दे, नहीं तो तू जानता है बड़ा कभी ना हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मादरजात। अरे यार, इतनी सुबह सुबह टीवी क्यों ऑन कर दिया? अरे आज टीवी पर धमाल होने वाला है, फार्म हाउस बनाम अयाश हाउस। तुम लोग हैरान हो जाओगे, देखना फार्म हाउस में क्या क्या होता है। थी शहर में, तुमने अपने सपनों को तो जिंदगी दे दी, लेकिन तुमने अपने माँ बाप के सपनों की हत्या कर दी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दीदी, एक जिंदगी एक जन, यही सब तो होता है इंसान के पास, और मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन खुद खो गई। तुम गलत समझ रही हो दीदी, हम सब पर एक एक टैग लगा हुआ है फॉर सेल, बस फर्क इतना है कि हम सबके प्राइस अलग अलग है। यूर एब्सोल्युटली राइट गर्ल, ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी। You shut up. ये हम बहनों का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। Okay, no problem. मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय करने के लिए जाती हूँ, because you don't have anything to enjoy. I say shut up. चिल्ला मत शैलजा, shut up तो तू हो गई है,
तुझे तेरी बहन ने और उस चैनल वाले गोयल साहब ने शट अप कर दिया है। अफसोस कि तुम पर जो टैग लगा था वो तुम पढ़ नहीं पाई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए थी। हमें ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम एक दूसरे से कोई उम्मीद रखेंगे। कितने में बेचा आपने आपको? जितने में तुम नहीं बिक पाई। और आपकी तरह कभी बिकूंगी भी नहीं और ना ही कभी हारूंगी। हारोगी नहीं तो टूट जाओगी। एक बात याद रखो शैलजा, जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है कुछ बनने का, मगर उसे बनने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को झुकना पड़ता है, और अगर वो नहीं झुकता है तो वो टूट जाता है और टूट कर रिटायर होके किसी कोने में पड़ा रहता है। अरे तुम्हें पैसे मिलते हैं काम करने के, जो कहा जाए करो। पैसे ही कमाने होते तो और भी बहुत काम कर सकती थी, पर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। रियल जर्नलिज्म, सच्ची पत्रकारिता। इससे चैनल नहीं चलता मैडम, चैनल चलता है स्पॉन्सर से, नेताओं के आशीर्वाद से। डू यू अंडरस्टैंड? और मैं प्रे करूंगा कि बात जल्दी से जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाए। एंड आई विल प्रे कि मेरे जैसी किसी लड़की को आप जैसे बेईमान इंसान के यहाँ काम करने का मौका ना मिले। मिस्टर कुलकर्णी। जी सर। वो जो एड फिल्म हम लोग बना रहे हैं, जी हाँ, उसके ऑडिशन के लिए कुछ बच्चों को बुलाना था। क्या हुआ? सर वो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, मैं लेके आता हूँ। जी आइए। ओके सर। अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इनके पास एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं। यस सर, एक से एक टैलेंटेड है। दिल्ली से मैंने बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को बुलाया है, वो आपका वेट करें सर। ठीक है, बुलाइए। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ टीना। हाँ। जो बच्चे बाहर ऑडिशन के लिए आए हैं उन्हें एक एक करके अंदर भेज दो। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू हो जाए। खुश तो बहुत हो गया आज तू कि वो इंसान जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी पूजा नहीं की, तुम्हारे सामने कभी सिर नहीं झुकाया, वो इंसान आज तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा है। कोई मिलकर किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता। तो मैंने हमको दो हाथ दिए और कहा है कि चीज दे जमीन का सीना और निकल ले अपने हिस्से की रोटी। मेरा नाम विजय सिन्हा चौहान। विजय मेरा नाम बाकराम सिन्हा नाथ। यूके मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं, फिर भी मैं बताती हूँ। पूरे रामगढ़ में मैं धर्म से ज्यादा तेज को दौड़ ही नहीं सकता। यूके मैं आपको 5 मिनट में रामगढ़ पहुँचा दूंगी। वो तो थे तुम तीर, फिर भी आगे खाली हाथ। क्या सोच कर आए थे कि सत्ता खुश होगा? गुड। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग से बना बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू, कमीने कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। टैडी पियो ड्रिंक क्या मेल, टैडी पियो गो टू स्लीप। माय गाया दिल्ली कॉफी, माय गाया। वेलकम मिस रीना, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये लीजिए आपका चेक। बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हैं अब आप। इस पूरे शहर में बड़े बड़े ग्लैमरस होर्डिंग्स लगे होंगे आपके। थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू ओनली, नॉट मी। ये सारा क्रेडिट मिस्टर राजेश्वर व्यास को जाता है, जो एड वर्ल्ड के बेताज बादशाह है, और आज आपको उनसे मिलने उनके फार्म हाउस पर जाना है ठीक 9 बजे। पर मुझे क्यों? ये रुपए की सीढ़ी उन्होंने तो बनाई आपके लिए, बस उन्हें खुश कर देना बदले में। What? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? शायद आप अपना एग्रीमेंट भूल रही हैं। पढ़ लीजिएगा, आप ही ने साइन किया था ना, उसके अकॉर्डिंग अब आप कहीं और काम नहीं कर सकती हैं। आपको राजेश्वर व्यास से मिलने जाना है, अगर आप नहीं गई तो आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सब मैंने उस वक्त तो नहीं पढ़ा था। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है मिस रीना,
एग्रीमेंट मैंने आपके सामने रख दिया था, पढ़ लेती। अब आपको राजेश्वर ब्यास से मिलके उसी को समझाना है, उसके फार्म हाउस पे रात 9 बजे। कम इन। तुम? हाँ मैं। मेरा पूरा नाम राजेश्वर व्यास है और आपका थप्पड़ मैं आज तक भूला नहीं। आपकी उंगलियों ने मुझे जहां जहां छुआ था, अब आपके होंठ मुझे वहां वहां छुएंगे। दर्द कैसे जाएगा? इतना बड़ा विश्वासघात? विश्वासघात? और मैं तुमसे? Come on, it's give and take. फैसला तुम्हें कर, it's your choice. जितनी भी पब्लिसिटी हो रही, मेरे एक फोन पर सब कुछ बंद हो सकता है। और हाँ, वो जो चेक तुम्हें दिया गया उसका भी स्टॉप पेमेंट हो सकता है। फैसला तुम्हें, you have to make a choice. Come on, Reena. सोच करें। सोच करें। You know, time is money. Come on. Come on. Come on. मेरी गाड़ी तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाएगी। तुमने इस बाश पे भरोसा किया कैसे? कभी मेरे पल्ले पड़ गया ना तो जिंदगी भर रोएगा। उसकी ऐसी टीआरपी बनाऊंगा कि अपने आप को, अपने चैनल को ढूंढता रहेगा। छोड़ो जाने दो, लेकिन गोयल और पुरुषोत्तम दास की नींद बहुत जल्दी उड़ने वाली है। मैं समझा नहीं। गोयल को कवरेज हैंडओवर करने से पहले मैंने उसकी रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में सेव कर ली थी। बस मुझे एक ऑनेस्ट चैनल की जरूरत है ताकि मैं गोयल और पुरुषोत्तम दास के मुंह पर तमाचा मार सकूं और जनता को दिखा सकूं कि जिन लोगों पर वो भरोसा करते हैं उनके चेहरे के पीछे कितने चेहरे छिपे हैं। गुड जॉब शैलजा, वेरी गुड जॉब, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन अब इस पेन ड्राइव को संभालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे मैं नहीं, तुम संभालो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा ये कर्तव्य तुम पूरा करोगे। ये सच जनता तक तुम पहुंचाओगे। कैसी बात करी शैलजा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं, मेरी भी है। समाज टीवी के मालिक एक बार मुझसे मिले थे, मैं उनसे मिलकर बात करती हूँ, उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। लेकिन जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेती, ये तुम संभाल के रखना। ओके? डोंट वरी शैलजा, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बाय। बाय। थैंक यू सर। आप बहुत गलत जगह आ गई हैं। मेरे चैनल का तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर नहीं है। किसी और चैनल के पास जाती तो पैसा ज्यादा मिलता। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जन करना चाहती हूँ ताकि ये देश के गद्दार 5 साल बाद जब वोट मांगने आए तो लोग इनके मुंह पर थूके। वाह, तुम जैसी लड़की को देखकर लगता है कि सच अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। शाबाश बेटी, इस लड़ाई में मैं अपने आप को अकेला समझता था, लेकिन नहीं नहीं, अब महसूस हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। थैंक यू बेटे। कहाँ है वो पेन ड्राइव? अजय के पास। कौन अजय? इंस्पेक्टर अजय कौशल। अरे नहीं,
मुझे नहीं लगता बेटी तुमने किसी सही आदमी पर भरोसा किया। शायद लड़ने से पहले ही तुम हार गई। क्या? ओह माय गॉड सर, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ। गुड शॉट। हेलो। फार्म हाउस की सारी कवरेज उस पेन ड्राइव में है। व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही, वो सब कुछ उस पेन ड्राइव में है सर, जो उसके पास है। यस सर। और वो पेन ड्राइव मेरे पास है। वो तो शुक्र मानो भगवान का कि उसे पता नहीं चला कि मैं आपका आदमी हूँ। तनख्वाह तो सरकार की लेता हूँ लेकिन काम आपका करता हूँ। अगर फार्म हाउस की असलियत लोगों के सामने आ गई तो आप मंत्री तो क्या संतरी भी नहीं रहोगे। अजय, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। 2 महीने के बीच में मैं तुमको DSP बनवाऊंगा और फिर उसके बाद सीधा पुलिस कमिश्नर। 4 साल हमारी सरकार और है। खूब ऐश करो, खूब ऐश करो, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस लड़की को रास्ते से हटाने का इंतजाम करो। लेकिन सर मैं उससे प्यार करता हूँ। जूता अगर पैर को काटने लगे इससे पहले कि पैर जख्मी हो जाए जूते को पैर से निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन उसे इस सच के बारे में मालूम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा ना, फिर क्या करोगे? जिस रास्ते पर बहुत से कांटे होते हैं उस रास्ते पर लोग बहुत देर तक नहीं चलते। इससे पहले कि कांटों की चुभन बढ़ जाए वो खुद ब खुद अपने रास्ते बदल देते हैं। नो, ब्लडी वेल नो। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के रास्ते में कांटे और बिछा दो ताकि उसे बहुत चुभन महसूस हो, बहुत चुभन। ऐसे ही होगा सर, आप बेफिक्र रहो। अब मैं चलूं। ऑफिसर, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मान लूं। गॉड ब्लेस यू। इट्स माय ड्यूटी सर। गॉड ब्लेस यू। चलता हूं, बाय सर। काय नंबर फोन कर रहा हूं। अरे शैलजा तुम यहाँ? क्यों, मुझे देखकर हैरानी हुई? लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि दलाल हमेशा कोटों के बाहर ही मिलते हैं। नहीं शैलजा, तुम मुझे गलत समझ रही। जो आज समझी हूँ काश बहुत पहले समझी होती। श्रीधर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। घिन आती है तुम्हें देखकर। तुम्हें मुझ पर विश्वास थी? सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे शैलजा, शैलजा सुनो, शैलजा मेरी जिंदगी में कभी मत आना। शैलजा सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। उस फार्म हाउस की सच्चाई को तुम जानती हो लेकिन क्या मेरी सच्चाई के बारे में जानती हो? नहीं। 6 मीटर कपड़ा लेकर नहीं सिलवाई मैंने वर्दी। मेरे पिताजी एक मामूली कांस्टेबल थे जिनका सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं और वो मुझे सलूट कर। इतनी आसानी से नहीं मिली मुझे ये नौकरी। शैलजा, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे नौकरी दिलवाने के लिए उनको अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी। ये नोट देख रही हो? हर नोट पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। मैं पूछता हूँ काय सत्य, बेच दिया उसे बाजारों में? देखो शैलजा, समझो मेरी बात को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा घर होगा, आरामदायक जिंदगी हो, और क्या चाहिए इंसान को? मुझे ईंट और सीमेंट का घर नहीं चाहिए, रिश्तों का घर चाहिए जिसे तुमने बनने से पहले ही तोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में कभी मत आना, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम अब वापस नहीं आओगी। आधे रास्ते से मैं कभी वापस नहीं लौटी और ना ही कभी हारी। गुड। हार का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी लड़ाई छोड़ दें। हार तो एक इंस्पिरेशन होती है आगे बढ़ने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए। अब मेरा मकसद सिर्फ पुरुषोत्तम ही नहीं, इस नेटवर्क से जुड़े वो सभी लोग हैं। इस फार्म हाउस में क्या क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपोज ऑल दैट। लेकिन ये सब तुम कैसे करोगी बेटी? ट्रेन, एयरपोर्ट्स, हर फार्म हाउस, सभी जगह उन्हीं की सिक्योरिटी होती है।
क्या इस पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके? नूर मोहम्मद नाम का ड्राइवर जो अब पुरुषोत्तम दास की गाड़ी चलाता है, बहुत पहले हमारे यहाँ काम करता था। मैंने उसे बुलाया तो है, देखते हैं कहीं पुरुषोत्तम दास के साथ काम करते करते उसका भी खून सफेद ना हो गया। जनाब, अरे मेरा खून सफेद नहीं हुआ है, बल्कि जिन रगों में खून था अब उसमें ज्वालामुखी बहता है। जब भी मैं उन लोगों की बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क में गीध मंडरा रहे हैं, और वो यहां के इंसानों को तो क्या, इस मुल्क की जमीन को भी नोच डालेंगे। गिद्धों का आसमान में मंडराना अब शगुन माना जाता है, इसे शगुन बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। तो मुझे क्या करना होगा जनाब? तुम पुरुषोत्तम दास की गाड़ी ड्राइव करते हो, रात को गाड़ी फार्म हाउस में पार्क करने से पहले किसी तरह 15 मिनट के लिए बाहर ले आना। अगर आप लोग पूरी रात जगने के लिए तैयार हैं, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे। एक रात तो क्या, इस काम के लिए मैं एक जन्म भी जागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्पॉट हम बताएंगे कहाँ मिलना है। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा जनाब, नूर संभाल के। ठीक, खुदा हाफिज। राघव, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कूल माइंडेड रहना होगा, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपका सामान तैयार? कहाँ है भाई, हम भी तो देखें। क्यों, आइए ना, चलिए चलिए। ये रहा आपके हथियारों का जखीरा, देखिए। सुभान अल्लाह, उंगलियां फड़फड़ा रही हैं इन्हें चलाने के लिए। अल्लाह, क्या बात है। शांति प्रिय देश में बहुत ज्यादा शांति अच्छी नहीं लगती। ठीक है। थोड़ा बहुत शोर शराबा तो होते रहना चाहिए। धमाका तो बहुत जोरदार करती है। मजा आएगा। गरम खून और गोश्त के टुकड़ों की खुशबू ही लाजवाब होती है। लेकिन तबाही का रुख कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सरकारें हिल जाएं और मेरा रास्ता सीएम से सीधा पीएम की कोठी की तरफ चला जाए। ये कमाल हमारा नहीं है। अगर आपको हाथी चुमना है तो हमारे साथी कर्नल का चुमा। कर्नल ढोंडे। यस सर। कर्नल ढोंडी रिपोर्टिंग सर। सर आप हैं कर्नल ढोंडी और हम इन्हें प्यार से बुलाते हैं कर्नल ढोंगी। शैतान ढोंगी। वो क्या है कि हमारे देश के नेता समझते हैं कि देश के साथ गद्दारी करने का जन्म सिद्ध अधिकार उन्हीं का है, लेकिन इस मामले में हमारे ये बाप हैं बाप
या आर्मी में काम करते हैं, उनका खाना खाते हैं, उन्हीं की थाली में छेद करते हैं और फिर उन्हीं के हेडक्वार्टर से ये हथियार चुरा कर यहाँ पर ले आते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सर, इसका क्रेडिट 100% कर्नल धोंडी को मिलना चाहिए। आप तो हमसे भी ज्यादा बेशर्म हो, अपने घिनौने काम के लिए शाबाशी मांग रहे हो। 100% बड़े मजाक के किस्म के इंसान। शुक्रिया मंत्री। हम ये सारा सामान अभी नहीं ले जा सकते, इसे यहीं रखो, आप ही के देश में ब्लास्ट करने के लिए काम आएगा। जिस दिन धमाका करेंगे यहीं से ले जाएंगे। वैसे आजकल हम पानी के रास्ते से भी हथियार नहीं ले जा सकते। भाई देखिए, आपकी अमानत है, आप जैसा कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप धमाके की तारीख मुकर्रर करें उसके 2-4 दिन पहले मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने विदेश दौरे पे निकल जाऊं। मंजूर है, क्यों? अगर हो सके तो मेरे बैंक में जल्दी पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो। अरे भाई, नेक काम में देरी क्यों है ना, चलिए चलिए ये काम पहले करते हैं, आइए। स्विस बैंक में एक अकाउंट है, उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। उस अकाउंट से पैसे निकाल कर वो पैसा मंत्री जी के अकाउंट में डालना है, क्या तुम कर सकोगे? Yes, why not? लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। इट्स ओके, अकाउंट नंबर दीजिए। मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम सही रखा है, अनीश बाबू, लेकिन मुझे लगता है मेरा नाम अनीश बाबू नहीं होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। नो, यू आर नॉट अ सुपर कंप्यूटर, यू आर अ सुपर ब्रेन। अभी फौरन से पेशतर काम करो, कम ऑन, डू इट। सीट। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वल्ला। कांग्रेट्स गाइस, सुपर। भाई बात बन गई। जी। आई, चल चलिए, आई। कम ऑन, गुड बॉय। थैंक यू। नमस्कार, मैं शैलजा हमारे प्रोग्राम प्रश्न चिन्ह में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है खेल और राजनीति। हमारे साथ स्टूडियो में है क्रिकेट विशेषज्ञ बलदेव जी और रमेश जी। नमस्ते। और दूसरी तरफ आज के युवा खिलाड़ी जो क्रिकेट स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं और आगे बढ़ने की यात्रा जारी है। आइए हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप है, मैं रणजी ट्रॉफी के लिए खेल चुका हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है, मैं नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ। मेरा नाम भारत कुमार है। कहीं मनोज कुमार तो नहीं? जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा विषय है खेल और राजनीति। कुछ ही दिन पहले एक अभिनेता की कही हुई छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हो गया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमारे देश में खेलना चाहिए। हम जनता से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल खेलना चाहिए, खेल और राजनीति को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए और जनता को इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली अनफेयर, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ आए और खेलें। क्यों खेलें? उनका घुसना नहीं देना चाहिए इस देश में। जिस देश ने हमारे देश में आतंकवाद फैला रखा, उस देश का कोई आदमी हमारे देश में घुसने नहीं देना चाहिए। किसी एक के गुनाहों की सजा हम किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? लेकिन दोनों हैं तो एक ही देश के। अगर किसी गार्डन में कैक्टस का पेड़ उगाए तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि बाकी के सारे फूल निकाल के फेंक दें। नफरत से नफरत पैदा होती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। आप सोचिए, हम खिलाड़ियों पर कोई पाबंदी लगा दें कि हम फला देश में नहीं खेलने देंगे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, अब फैसला आपको लेना है कि खिलाड़ियों पर पाबंदियां होनी चाहिए या नहीं। इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर आपको ढूंढना है। पुरुषोत्तम बिरादर, पुरुषोत्तम गुले गुलजार, जाने बहार, दिल तमन्ना, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। अरे कसम खुदा की, तुम्हारा यही मेहमान नवाजी हमें इधर आने पे मजबूर कर देता है। यही तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्राना हम तुम्हारा दुबई वाला अकाउंट में जमा करवा दिया है। Yeah. क्या बात है, आप लोग हमारे दिल में रहते हो इब्राहिम भाई, इनायत भाई, तशरीफ। शुक्रिया। और सुनाए, दुबई की मंडी का क्या हाल? पुरुषोत्तम बिरादर, आपको तो पता ही है कि दुबई के दराम ने पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाया। यकीन। और वही दराम हम तुम्हारे वास्ते इसमें
भर के लाया। तभी कहूँ कि धर्म की खुशबू कहाँ से आ रही है ब्रह्मा। हाय क्या भाई, हमारे दोस्तों की खातिर तो आजा की जाए। पुरुषोत्तम बिरादर, हमको तो कच्चे गोश्त का महक आ रहा है। देख कर उसकी जवानी आरजूए शराब। वालेकुम अस्सलाम। रोज तौबा करता हूँ मगर नीयत खराब। ए ब्रदर, दराम लेने से पहले खूबसूरती का दीदार तो करवा दो। और बिरादर, दीदार में देरी नहीं होना चाहिए। आप कहें और हम न माने, ऐसे तो हालात नहीं। जरा तवज्जो दीजिए। वाह माशाल्लाह, बल्लाह, खूबसूरत। ऐसे लगता है बिरादर जैसे आसमान का बिजली चमक कर जमीन पर गिर पड़ा हो। अरे वल्लाह, तुम बिजली नहीं गुले गुलजार हो। हवा भी तुमको छू कर गुजरेगी तो पूरा दुबई गुले गुलिस्तान बन जाएगा। इब्राहिम भाई, हमारे पास पूरा चमन है, जरा सब्र कीजिए। जितने फूल हैं चुन लीजिए, सब आप ही के तो हैं। वल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुंदर, खूबसूरत। वल्लाह, हमारे गले से लग जाओ। पुरुषोत्तम बिरादर, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। हमसे डरो मत, हम तुम्हारा यार है यार, छोटा सा यार। वो तुम्हारा वो हिंदी फिल्म में गाना था ना, कौन सा गाना था वो? हाँ, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और तुम्हारा यार एक हमारा नाम पे कहो। अरे बेवकूफ, गर्मी देता है। हाँ, दुबई ले जाएगा, दुबई ऊंट का सवारी कराएगा, फिर उसके बाद हम खुद सवारी करेगा ऊंट पे। हाँ। प्यार हो बंदों से तो ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है। हम तुमको बहुत अश करवाएगा उधर, बहुत अश करवाएगा। अरे हम तुमको दुबई का रानी बनाएगा, अपने हरम का संगे मरमर का मूरत बनाएगा। चलो जानन, आओ चले। हम तुमको बहुत अश करवाएगा, बहुत। सर इसे ले जाऊं? हाँ, ले जाओ और सब चीजें क्लियर कर दो। कम ऑन, फास्ट, जल्दी करो। आप लोग लड़कियों का दीदार कीजिए, मैं जरा धर्म का दीदार करूंगा। पैसा ही तो मेरा ईमान है। आराम से जूता उतारो, कोई जल्दी नहीं है जाने मन। आओ। पुरुषोत्तम किधर है बरादर? क्या हुआ शेख साहब? अल्लाह, मजा आ गया। मजा आया ना? क्या नगीना था, खुशी हुई ना? बहुत खुश। आप इतना मातमी चेहरा बना के यहाँ पे क्यों आए हैं शेख साहब? बात क्या है, क्या हुआ, मजा आया कि नहीं आया? हमको मजा आ रहा था, पर लगता है शायद वो बच्चा मर गया। अरे आप यहाँ से जिंदा बच्चों को साथ लेके जाएंगे, उनको ऊंट पे बिठाएंगे, उनसे रेस करवाएंगे, तो भी तो बच्चों को मारेंगे ना। तो आप एक काम कीजिए, मुर्दा बच्चे को भी साथ ले जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुर्दा बच्चे को हम दुबई कैसे लेके जा सकता है? अरे मजाक कर रहा हूँ शेख साहब, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मजाक हमसे मत किया करो। उसे ठिकाने लगा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप जरा रक्स देखिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कीजिए। आहा,
मोहतरमा को पेश किया जाए। है ओ ये जान भी दे
की खातिर पिया पिया जी आपकी खातिर आपकी खातिर आपकी खातिर आपकी खातिर पिया पिया जी आपकी खातिर आपकी खातिर सुभान अल्लाह पुरुषोत्तम बिरादर जल्दी बुलाओ हमारा फ्लाइट का वक्त हो रहा है कोई बात नहीं आइए सब लोग आइए ये रही आपकी अमानतें वल्लाह क्या बात है पुरुषोत्तम बिरादर अब हम चलते हैं बहुत खूब अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज चलो बच्चा लोग आओ जाने मन चलो गुलबदन शाबाश शाबाश दुबई का ऊंट तुम लोग का इंतजार करती है जल्दी चलो मैं इस घर से जा रही हूँ दीदी राजशेखर ने ग्रेटर कैलाश में मुझे 4 बेडरूम हॉल का फ्लैट दिलवाया है पता नहीं कि तुम मेरा कहना मानोगी या नहीं मानोगी अगर तुम चाहो तो हम दोनों उस घर में एक साथ जाकर इकट्ठे रह सकते हैं घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो रीना अगर दिशाएं अलग अलग हो ना तो दीवारें गिर जाती हैं तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो I'm dead, don't cry. Oh. Hey, Bhagwan. मुझे मौत क्यों नहीं देता मैं प्रायश्चित करूंगा मुझे नूर की चिंता हो रही है कहीं वो फंस ना जाए बहुत सीधा आदमी है लेकिन वो बहुत बहादुर और समझदार भी है अरे नूर जनाब ये लीजिए कैसेट इसमें मंत्री के सारे पक्के सबूत हैं और उसके काले कारनामे भी इसमें कैद हैं ये लीजिए शाबाश सर इसको एडिट करके आज ही न्यूज में डलवा देते हैं बहुत जल्दी करती हो अगर अभी दिखा दिया तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी अरेस्ट हो जाएंगे मगर 2 दिन में उनको जमानत मिल जाएगी कुछ नहीं होगा नूर जी तुम जाओ यहां से तुम्हें कोई पहचान लेगा और ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करो फिर एक साथ धमाका करेंगे फिर कोई नहीं बच पाएगा ठीक है जनाब चलता हूँ ठीक है सर मैं भी सबूत इकट्ठे करने के एफर्ट्स करती हूँ फिर एक साथ इनका काम तमाम करेंगे चलती हूँ अब आएगा मजा शुभम दास आज तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई तुम्हारा हमेशा से ये सपना था कि इस तरह का बंगला कभी तुम्हारे पास हो है ना क्या हुआ कुछ नहीं ये तुम्हारा गिफ्ट आज से ये बंगला तुम्हारा आज मैं बहुत खुश हूँ राज बहुत खुश बस डरती हूँ कि कहीं हमारी इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगी तुम्हारा जो रैम शो आने वाला है मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम उसकी तैयारी करो और हाँ ये 500 करोड़ का एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं चाहता हूँ कि इस पर तुम मंत्री जी के दस्तखत उनके फार्म हाउस पे जाके करवा लो
ओके, आई विल डू इट। दर्द दर्द नाम दर्द नाम दाना दारा। यंग प्रिटी ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल, हाउ आर यू? आइए तशरीफ रखिए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। सर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई थी। कॉन्ट्रैक्ट? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ेगा। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो फिर हर दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। तो बैठिए ना, आइए बैठिए आइए। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे ट्राई टू, आई एम अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं कि आपको क्या 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 करना पड़ेगा? बताया नहीं उसने? आप छोड़िए मुझे, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करने दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टॉक टू योर हस्बैंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो राज, ये सब क्या है? कम ऑन, जरा सा उन्हें प्लीज करो। व्हाट? अगर ये बिजनेस हमें मिल जाता है ना, तो यूं समझ लो कि सारे हाईवे पर हमारी कंपनी के होर्डिंग्स। बट राज, बस थोड़ा सा उनका ख्याल रखना है तुम। अरे लेकिन ये जो बिजनेस है तुम ही उनसे ला सकते हो। राज तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए? तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है। अगर ऐसा है तो उतार दो, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। तो एक रात के लिए भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो। क्या? जानती हो ये जो शरीर है बिल्कुल नश्वर होता है राज। एक ना एक दिन तो इसे खत्म होना ही, तो खत्म होने से पहले जितने लोगों के ये काम आएगा हाँ? उतना ही पुण्य मिलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? समझ गई? I know राज ने क्या बोला है, मैं सब जानता हूँ, पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अरे लिसन टू मी, डोंट स्पॉइल द मूड डार्लिंग, डोंट स्पॉइल। गफूर, ए बलवंत, इसको पकड़ो, जाने मत दो इस लड़की को। डैमन इट, लड़की को जाने मत दो। यार चलते हैं, चल बहुत लेट हो गया यार, चलते हैं यार, अभी चलना है यार, यार। चल बैक चलते हैं। आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आप लोग मुझे प्लीज जरा हाईवे तक छोड़ देंगे? बैठ जाओ, हम लोग तो यात्री हैं, हरिद्वार यात्रा पे जा रहे हैं, जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ देंगे। और अगर हरिद्वार से पहले गंगा जी आ जाए तो रास्ते में स्नान कर लेना चाहिए। आप लोग तो तीर्थ यात्री है ना? तो क्या हुआ, हमें कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं और हम किसी से कहेंगे भी नहीं। राम तेरी गंगा खाली हो गई। और ये गंगा तो पहले से ही मैले होके आ रही है। नहीं चल, जाने दीजिए मुझे, ला नीचे, चल चल लट लट नीचे, चल चल पकड़ इसके हाथ, छोड़ दो मुझे, लट पकड़ पकड़ मेहरबान, इसके हाथ साल नीचे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मत करो, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए ऐसा मत करो, छोड़ दो, जाने दो, नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ेंगे नहीं इस नोंडिया को, अरे छमिया, अरे मुझे। नहीं, पकड़ इसकी टांगे, पकड़, अब पकड़, अरे ये हटो यहाँ से, पकड़ इसको, नहीं छोड़ो मुझे, अरे पकड़ इसको, पकड़, अरे छोड़ो मुझे, ले मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ, छोड़ो, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो,
हेलो, आप शैलजा जी बोल रही हैं? आप जल्दी से गार्डन में आ जाइए, जिस लड़की का ये मोबाइल है उसने सुसाइड कर लिया। मैं अभी आती हूँ। ओके बाबूजी। हाँ बेटी। उसके नीचे लिखा अजी, क्या हुआ? I have achieved everything. आप बोलते क्यों नहीं? I'm the happiest woman in the world. बोलिए ना, क्या हुआ? अजी संभाल के। क्या हुआ जनाब? पुरुषोत्तम को पता चल गया। संभालो। बड़ी मुश्किल से और अपनी जान बचा के आप तक पहुंचा हूं। ये लीजिए, पकड़ो। ये लीजिए, देखो, संभालो। मैं नूर को अस्पताल लेकर जाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अस्पताल पहुंचता हूँ ऑफिस से। हाँ जी, ठीक, चलिए अस्पताल चलते। उठो। नहीं सैलजा, अब मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम कीजिए। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। श्रीधर बोल रहा हूं। पुरुषोत्तम दास, तेरी कुर्सी तो गई। अरे सुनो श्रीधर। और साथ में तू अपने 10-12 मिनिस्टर्स को भी ले डूबेगा। तेरे फार्म हाउस में जो हिडन कैमराज लगाए गए थे उनकी फुटेज इस वक्त मेरे पास है। नूर मोहम्मद मरने से पहले मुझे दे गया। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त यह है कि वो जो कैसेट है वो टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टेलीकास्ट हो गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी श्रीधर, हमारी सरकार गिर जाएगी, समझे कि नहीं? तो ये बोल के तुझे चाहिए क्या? मुझे सुधांशु गोयल समझ रखा है क्या? कुत्ता नहीं हूँ मैं कि जिसे जहाँ हड्डी मिली वहीं दुम हिलाने लगेगा। मुझे तो पूरा बकरा चाहिए, पूरा बकरा। मिलेगा, पूरा बकरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तुझे चाहिए क्या बोल तो सही? 30 करोड़ और साथ में राज्यसभा में एक सीट। ये तुम कैसे करोगे ये सोचना तुम्हारा काम है। अब देख, डन। 30 करोड़ भी दूंगा, राज्यसभा की सीट भी दूंगा। तू कैसे लेके आ जा, कैमरा लेके आ जा। हाँ जल्दी जल्दी आ जा, वक्त बहुत कम है, जल्दी आ जा। गुड आफ्टरनून सर। इंस्पेक्टर अजय, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, आपकी गाड़ी देखी, सोचा आपको मिलते हुए चलूं। मिली है? चलो फिर, अभी जल्दी है मुझे, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। चलो। अब देखना तुम लोगों का मानना कैसे। सर मेरा काम हो जाएगा ना? कि आपका काम हो जाएगा, आप समझ नहीं रही, आप जाइए ना।
पुरुषोत्तम ये रहा भाई तुम्हारा हंगामा। काम करके अच्छा लगा। क्या हुआ? कैसेट कहाँ है इसमें? कैसेट नहीं है इसमें। Where is the bloody cassette? कैसेट इसी में थी। इसमें कैसेट नहीं है श्रीधर। See it. Oh my God. Okay. लड़की को ढूंढना होगा। मुझे शर्जा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तुम लोग सुन रहे हो? मुझे शैलजा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसमें शैलजा का हाथ नहीं है। ये सारा गेम उस कमीने का है। बताओ मुझे किसका हाथ है, मैं उसे छोड़ूंगा। अरे छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। उसने श्रीधर की आंखों में दूर जौंकी है। तो बता देना किसका हाथ है, कौन है, कौन है, बोलना बोलना। इंस्पेक्टर अजय। इंस्पेक्टर अजय, शैलजा और अजय को भून के रख दो, समझे तुम? तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे उन दोनों की लाशें चाहिए, लाशें चाहिए। चलो सब लोग यहाँ से। ये क्या हो गया? ना ही मैं यहाँ पे माफी मांगने आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पश्चाताप करने आया हूँ। फार्म हाउस की कवरेज जो तुमने मुझे दी थी, मेरे हाथों से पुरुषोत्तम दास के पास चली गई थी। और वही गलती फिर तुमने की श्रीधर को कैमरा देखकर, जिसमें नूर की पूरी कवरेज और तुम्हारी सारी मेहनत है शैलजा। क्या श्रीधर भी उनसे मिला हुआ है? यस शैलजा, जैसे तुमने कैमरा श्रीधर को दिया, मुझे डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है और मैंने उसका पीछा किया, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने कैमरा में से डीवी निकाल ली। क्या? ये लो शैलजा, तुम्हारी अमानत लो, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। लेकिन इसका मैं क्या करूं? आज सभी चैनल अपनी जरूरत के हिसाब से बिक जाते हैं। जहां भी इसे लेकर जाऊंगी वहां भी यही होगा। कुछ लोग हार कर जीतते हैं, मैं जीत कर भी हार गई। तुम हारोगी नहीं, तुमने जो लड़ाई लड़ी शैलजा, उस कुरुक्षेत्र का अंतिम हड्डिया बाकी है। भागो शैलजा, तुम यहां से जाओ, मैं उनको संभालता हूं। पकड़ो, पकड़ो इनको, भागने न पाए। इधर क्या? ए तुम लोग उधर देखो। हाँ इधर क्या? यस सर, हम लोग यहाँ पे रेडी हैं। यस सर, साइरस, इस डीवी में चीफ मिनिस्टर के काले कारनामे हैं। इसे जल्दी टेलीकास्ट करो ताकि पूरा देश सच्चाई देख सके। अभी लाइव टेलीकास्ट करो प्लीज। सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता। अरे क्योंकि अब आप हमारे चैनल के लिए काम नहीं कर सकते।
मेरी बात तो सुनो। मैं आपका हक नहीं मान सकता। अरे तुम समझने की कोशिश तो करो। I'm sorry मैं। I'm sorry। Sorry। चलाता है? क्यों उड़ाओ देखो। चला। चला। चल जाओ। चल जा। Are you okay? हेलो हेलो मंत्री जी। हाँ? आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पर। आपकी सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ गई है। क्या अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फार्म हाउस छोड़ करके भाग जाइए। अरे क्या हुआ? अरे चल क्या हुआ श्रीधर बताता हूँ। अरे बता दो सही क्या हुआ। चलना बताता हूँ जिंदगी कहाँ चलना है यार। Thank you.
की इस घटना के बाद जनता की जागरूकता से देश में सरकार गिर गई, नई सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद क्या हुआ? लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, लेकिन ये सब बदलने से कुछ नहीं हुआ। कुछ बदलने के लिए नेताओं की मानसिकता का बदलना जरूरी है, सोच का बदलना जरूरी है। नमस्कार, आज मैं पूरी जनता का आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक भ्रष्ट सरकार को गिराकर मेरी पार्टी को जिताया है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और मैं जनता के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और आज सबके सामने जनता से यह वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सरकार और समाज की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद।